गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं विलयन की सांद्रताओं के बारे में, कैसे कैसे हम विलयन की सांद्रताएं ज्ञात कर सकते हैं। आज हम उसी पर आधारित कुछ पाठ निहित प्रश्न न्यूमेरिकल पढ़ें, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। और पाठ निहित प्रश्न में मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, कह रहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है? तो सवाल में ये पाठ निहित प्रश्न है, पाठ निहित प्रश्न पेज नंबर 38 है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है? और सवाल है पाठनीत में 2.1। सवाल हम पढ़ चुके हैं, बेंजीन दिया है, बेंजीन की मात्रा बराबर 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितना दिया हुआ है, 122 ग्राम, ठीक है? अब यहां पर कुल विलयन का द्रव्यमान, मतलब कि यह विलेय और विलायक मिला दें तो विलयन बन जाएगा, तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 144 ग्राम, ठीक है? तो इसमें हमें बेंजीन की और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, C6H6 बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे कुल द्रव्यमान। विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है बेंजीन की, 22 बटे में 144 गुणे 100 सूत्र में है। इसको हल कीजिए कितना आ रहा है, देखिए इसका मान कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कितना आना चाहिए, 15.27%, ठीक। इसी प्रकार CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 122 बटे 144 गुणे 100। हल कीजिए देखिए कितना आ रहा है, फटाफट इसको निकालिए कितना आएगा, 84.72 के लगभग आएगा प्रतिशत। या इसको हम इस तरह बेटा लिखा सकते हैं, ये 100% में था है ना, इसका मान डायरेक्ट हम इस तरह लिखे, 100 माइनस कितना आया था, 15.27, तो लगभग इतने के लगभग आ जाएगा आपका, इतने के लगभग ये आपका आ जाएगा प्रति, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? अगला है 2.2 प्रश्न में पढ़ रहा हूं, कह रहा है कि एक बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ, तो बेंजीन का मोल अंश की गणना कीजिए। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन आपका कितना दिया है, 30 द्रव्यमान प्रतिशत है, तो यहां पर लिख सकते हैं बेंजीन की मात्रा बराबर 30 ग्राम, 100 ग्राम में 30 ग्राम है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना आ जाएगा भाई, PCl4 की मात्रा कितनी हो जाएगी बताओ, 70 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि 100 ग्राम में है, ठीक है? तो इसमें किसका मोल अंश पूछ रहा है, बेंजीन का पूछ रहा है, तो बेंजीन का मोल अंश की गणना की,
इसका मतलब कि बेंजीन की मोलों की संख्या कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या पहले ज्ञात कर, ठीक है। C6H6 की मोलों की संख्या बराबर W बटे M, तो W बेंजीन का निकाल रहे हैं तो 30 है, और बेंजीन बटे M, M का मतलब बेंजीन का अणुभार कितना होगा निकाल लेना, 78 होगा। C6 इसका निकालोगे तो कितना होगा, 6 × 12 + 6 बराबर 78 आएगा। तो देखिए कितना मोल आ रहा है, तो इसका मोल अंश आप निकाल लेंगे, तो मोल अंश निकालिए देखिए कितना आ रहा है, निकाल करके आप लोग बताइए, ठीक है। दूसरा इसमें CCl4 की मोलों की संख्या निकाल लें तो कितना जाएगा, 70 × CCl4, यहां पर देखो CCl4 का तो 12 + 4 × 35.5 निकालो, देखो कितना रहा है, हमारे समझ से 154 आएगा, 154 का भाग दे दो, देखो कितना आ रहा है मोलों की संख्या, आप लोग निकाल ले, निकला मोलों की संख्या आप लोगों की निकली, इसका कितना है 0.,  यहां पर इसका आएगा 0.38, इसका कितना आ रहा है, इसका लगभग आएगा 0.,  यहां पर बल्कि लिख दे रहे हैं 0.45, ठीक है। तो बेंजीन का हमें मोल अंश ज्ञात करनी, तो यहां पर लिखेंगे बेंजीन का मोल अंश बराबर सूत्र लिखवाए थे Na/Nb, ये आपका Na हो गया और ये Nb हो गया, तो निकाल लीजिए Na का मान कितना दिया है 0.38 × 0.38 प्लस Nb का मान कितना दिया है 0.45। तो बेटा इसको हल करो, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.457। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 2.3, प्रश्न में पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, क क में क्या दिया हुआ है 30 ग्राम और कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O दिया है 4.3 लीटर, इसमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है क में, तो यहां पर देखो बेटा W का मान कितना दिया है 30 ग्राम, इसका M का मान निकाल लो, तो यम का मान निकालोगे तो कोबाल्ट का कितना होता है 59 + 2 है तो 2 कर दे, यहां पर 14 + 48 हो गया, यहां + 6 और जल का H2O का कितना होता है डायरेक्ट लिख दे रहे 18, तो इसका आएगा 291, निकाल लेना कोई दिक्कत होगी तो, मोलरता इसमें पूछ रहा है, मोलरता बराबर W/m × V किसमें लीटर में होना चाहिए, CIBC खत्म है, तो W का मान कितना दिया है 30 ग्राम, ठीक है, M का मान 291 × V का मान 4.3 लीटर, चलिए इसको हल कीजिए, इसको हल करें कितना आ रहा है, इसका मान आएगा 0.239 m, ठीक है। ख सवाल, ख में दिया है 30 ml / 0.5 m, यहां पर m है H2SO4 को
500 ml तनु करने पर। तो देखो यहाँ पर हम सवाल सोल्यूशन दे रहे हैं, ये आपका V1 बराबर 30 ml, नया सूत्र है, और M1 बराबर, ये मोलरता है 0.5 m, ये V2 बराबर 500 ml दिया है। एक सूत्र है बेटा, इसको याद करना, V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M2 का मान पूछ रहा है, यहाँ पर लगा दे रहा है, ठीक है थोड़ा, तो M2 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, M1 V1 / V2, इसमें मान रख दो, M1 का मान कितना हो गया, M1 का मान 0.5 गुणे V1 का मान 30 / V2 का मान 500। इसको हल कीजिए, इसको आप हल करेंगे तो आएगा 0.03 m, ठीक है, अपना हल कैलकुलेशन कर लेना, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ रहे प्रश्न, यूरिया के 0.25 मोलर मतलब मोललता बराबर दिया है 0.25। पढ़ देना पूरे सवाल को, यूरिया के 0.25 मोलर कामा 2.5 किलोग्राम जली विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए, डब्लू का मान का गणना करना है। तो मोललता बराबर इतना दिया है, ठीक है, और कैपिटल डब्लू बराबर कितना ग्राम दिया है, 2.5 kg, 2.5 kg। तो हम जानते हैं कि मोललता बराबर होता है W/m × W kg में, ठीक है, यूरिया दिया हुआ है तो मोललता का मान इस सवाल में दिया है 0.25 बराबर यूरिया का अणुभार कितना होता है, यूरिया मतलब NH2CO NH2, इसका अणुभार निकालेंगे तो 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो यहाँ W/60 × W का मान कितना दिया है, 2.5। तो इस्तेमाल W बराबर 0.25 × 60 × 2.5 गुणा कीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, गुणा करेंगे तो आएगा 37.5 ग्राम में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2.5, ठीक है, 2.5 थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, 20% W/W जली KI का घनत्व 1.202 g/mL-1 हो तो विलयन की, इसमें तीन सवाल दिया है, मोललता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, मोल अंश की गणना करनी है। तो चलिए पहला सवाल हम क मोललता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोललता बराबर अभी हम इस पर सवाल लगाए हैं, कैपिटल डब्लू किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो सवाल में यहां पर मानेंगे, माना कि 100 ग्राम विलयन में 20% दिया था, तो 20 ग्राम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है, तो यहां पर लिख सकते हैं मोललता बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 पोटेशियम आयोडाइड का अनुभार निकालो, कितना होगा, एक बार निकाल दे रहे हैं, 39 + 127 = 166 आएगा। तो यहाँ एम का मान 166 रख दे, गुणे कैपिटल डब्लू, तो कैपिटल डब्लू का मतलब क्या है, विलायक का मान है ना, तो 100 ग्राम विलयन से 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है,
कितने ग्राम, 100 में कितने ग्राम बच गए जल? 100, 80 ग्राम बच गया ना, तो 80 ग्राम ये जल विलायक हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 80। हल कीजिए, मोलता कितनी आ रही है, तो हल करेंगे तो आएगा 1.5 इसकी मोलता आ जाएगी। ख, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। ख में पूछ रहा है मोलरता, मोलरता तो हम जानते हैं डायरेक्टली, मोलरता बराबर क्या होता है भाई, यम गुणे भी किस में, लीटर में होता है। यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि भी का मान नहीं दिया है, ठीक है, घनत्व तो दिया है सवाल में, घनत्व तो कितना दिया है, 1.202 ग्राम मोल प्रति लीटर के रूप में दिया है, तो भी का पहले हम मान ज्ञात करें, तब इस मान में मोलरता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इसी सूत्र से हम आयतन निकाल लें, आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो देखो 100 ग्राम, बिलियन पूरा टोटल है, तो 100 यहाँ मान लेंगे, घनत्व दिया सवाल में 1.2020, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1.202, ठीक है, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, लगभग भाग देंगे तो 83.194 ml में आएगा। तो यहाँ मान रख दे, W का मान यहाँ पर मोलरता में कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, और यम का मान जल है, जल कितना होगा 18, आयतन लीटर में कितना है 83.194। तो इसको हल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, पोटेशियम ये जल है 20 पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर गलत लिख दिया है, 166 होगा, पोटेशियम आयोडाइड है ना, तो इसको हल कीजिए फटाफट, देखिए कितना आ रहा है, इसको हल करेंगे तो आएगा 1.4 मोलरता आएगी, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम ग वाला बता रहे हैं। ग है, ग में कह रहा है कि के आई का मोल अंश की गणना करना, ठीक है, गणना करना है। तो यहां पर पहले के आई की मोलों की संख्या और जल की मोलों संख्या निकाल, ठीक है, के आई की मोलों की संख्या बराबर, तो के आई में 20 ग्राम था, डब्लू बटे एम होगा ना, यहां पर देखें डब्लू बटे एम होगा ना, एन बराबर डब्लू बटे एम होगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 20 बटे के आई का कितना आयाणुभार, 166, तो भाग दे कितना आएगा, 0.120, ठीक है। इसी तरह जल की मोलों की संख्या, H2O की मोलों की संख्या बराबर रख देंगे डायरेक्ट, तो मान कितना जाएगा, 80 ग्राम बचेगा, और जल का कितना होगा 18, निकालिए इसका लगभग आएगा 4.444। तो के आई का मोल अंश बराबर वही एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, इसको मान लिए एन ए, इसको मान लिए एन बी, ठीक है। तो इसमें मान रख दे एन ए का 0.120 बटे में 0.120 प्लस 4.44, इसको हल कर दीजिए, तो इसको हल कर देंगे तो मान आएगा आपका 0.026, इसका कोई यूनिट नहीं होती। तो यहीं पर पाठ निहित प्रश्न समाप्त होते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो इस नोबेलकर पोर्शन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका मान कैसे आया है,
कैसे यहाँ से क्या कैसे क्या रखे हैं हम उसको बता सकते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बन गया है, हम सोच रहे थे कि खंड खंड बनाए, लेकिन मेरे समझ में आ रहा था कि नहीं खंड खंड करेंगे तो बच्चे पाठ नहीं प्रश्न यदि देखना चाहें तो पूरा एक एक ही बार वीडियो में समय लगेगा देख सकते हैं। नहीं तो मेरा विचार था कि इसमें दो वीडियो बनाए, लेकिन आप लोगों के हित में देखते हुए इसको एक ही वीडियो लंबा वीडियो बन गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यदि हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।